हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा किंग लियर के क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की. मिलकर इसे पढ़ते हैं. एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मैडनेस एंड ब्लाइंडनेस इन द प्ले. यानी इस ड्रामे के अंदर जो पागलपन और इसके अलावा अंधेपन की मिसालें दिखाई गई हैं, तो इनका आपस का जो ताल्लुक है इसका तज्जिया करके बताइए. यानी तफसील से ये बताना है कि ये दो बातें जो हैं ये किस चीज़ की अलामतें हैं और इनसे क्या मतलब निकाले जा सकते हैं. तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले आप अपनी बात को इस पॉइंट से शुरू कर सकते हैं कि इस ड्रामे में दिखाया गया है टू एल्डरली कैरेक्टर सफ़र द मोस्ट इन द प्ले. यानी दो किरदार ऐसे दिखाए गए हैं जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं और उन्हें मुश्किलें सहनी पड़ती हैं या दुख उठाने पड़ते हैं. और ये दो किरदार किसके हैं? लियर जो कि बादशाह है उस मुल्क का, और इसके अलावा ग्लॉस्टर जो कि एक महज़ब दरबारी है. तो इन दोनों की जो कहानियां हैं उनका ताल्लुक ही ये मैडनेस और ब्लाइंडनेस के ताल्लुक को वाजे कर सकता है. जैसे कि दे स्टोरीज आर सिमिलर इन मैनी वेज. उन दोनों की कहानियां जो है वो बहुत आपस में मिलती जुलती हैं. जैसे कि लियर स्लोली गोज मैड. लियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जहनी तवाजुन खो देता है, जबकि ग्लॉस्टर जो है वो उसको बिलाखिर अंधा कर दिया जाता है, लेकिन वो ज़हनी तवाज़ुन को नहीं खोता. यानी इनमें से एक जो है वो पागल हो जाता है और एक अंधा हो जाता है, और एक तरह से ये उनका मकाफाते अमल होता है, यानी उनकी गलतियों का नतीजा होता है. इसके अलावा इन दोनों के किरदारों की जो खसूसियत है वो क्या है? शेक्सपियर इम्प्लाइज अ पैरेलल. यानी इन किरदारों को शेक्सपियर ने आपस में मतवाजन दिखाया है या बराबर जिस तरह से वो चल रहे हैं उनकी कहानी. लियर एंड ग्लॉस्टर बोथ परसीव सर्टन थिंग्स मोर क्लियरली. माफ़ कीजिएगा, लियर एंड ग्लॉस्टर बोथ परसीव सर्टन थिंग्स मोर क्लियरली आफ्टर दे लूज देयर फैकल्टीज. तो दोनों के दरमियान क्या चीज़ है जो कि एक जैसी है? वो ये है कि वो दोनों ही जब तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो तब जाकर दोनों को ही कुछ चीज़ों के जो हकायक हैं वो ठीक तौर से नज़र आने शुरू होते हैं. आफ्टर दे लूज देयर फैकल्टीज, जब वो अपनी जो खास किस्म की जो उनकी सलाहियतें होती हैं उनको वो खो देते हैं, उसके बाद उनको ये एहसास होता है. मिसाल के तौर पर लियर बिगिंस टू गो मैड एंड रियलाइजेज द कॉर्डिलिया लव्ड हिम. यानी लियर आहिस्ता आहिस्ता जब अपना जहनी तवाज़ुन खोने लगता है फिर उसको एहसास होता है कि उसकी बेटी कॉर्डिलिया जो है वो वाकई यकीनी तौर पर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती थी. और इसके अलावा एंड दैट गॉनरल एंड रीगन वर ट्रेचरस फ्लैटरर्स. उसको ये भी एहसास हो जाता है कि उसकी दूसरी दो बेटियाँ जो हैं गॉनरल और रीगन वो दरअसल धोखेबाज और महज चापलूसियों से उसका दिल जीत कर उसे एक तरह से धोखा देती हैं और उससे गद्दारी करती हैं, और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती. तो इसके बाद किंग लियर को क्या एहसास होता है? ही कम्स टू अंडरस्टैंड द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. यानी इंसानी फितरत की जो कमज़ोरी है उसको वो समझने लगता है. एंड द एम्प्टीनेस ऑफ रॉयल क्लेम्स टू पावर. और उसको ये भी एहसास होता है कि शाही ताकत को हासिल करने के या हासिल कर लेने के बाद जो फवायद वगैरह होते हैं उनके जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सब उसको खोखले नज़र आते हैं, यानी उनमें कोई दम नहीं होता. और उसको ये भी एहसास होता है द सिमिलैरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. यानी तमाम इंसान जो हैं वो बराबर होते हैं और तमाम इंसानों को ही चाहे वो बादशाह हो या गरीब हो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. इसी तरह से ग्लॉस्टर को भी एहसास होता है. क्या एहसास होता है? ग्लॉस्टर कम्स टू अंडरस्टैंड विच सन इज़ गुड और बैड एट द वेरी मोमेंट ऑफ इज ब्लाइंडिंग. यानी जब वो अंधा हो जाता है तो उस मौके पर उसे एहसास होता है कि उसका कौन सा बेटा जो है वो अच्छा था और कौन सा बुरा था. बिल्कुल जिस तरह से लियर जब बिल्कुल पागलपने का शिकार होने लगता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी कौन सी बेटी अच्छी थी और बाकी दो बेटियाँ जो है वो बुरी थी. तो इसी तरह से ग्लॉस्टर को भी अंधे होने के बाद जो है असल हकीकत उसके सामने आती है. यानी अपनी कुदरती सलाहियतों को खोने के बाद उन्हें ये सलाहियत मिलती है कि वो सच को देखने के काबिल हो जाते हैं. और बिलाखिर क्या होता है? बोथ लियर एंड ग्लॉस्टर सिंक इनटू डिस्पेयर बिफोर देयर डेथ्स. लियर और ग्लॉस्टर दोनों ही अपनी मौत से पहले मुकम्मल मायूसी का शिकार हो जाते हैं. लियर्स आई साइट फेल्स इन द मोमेंट्स जस्ट बिफोर ही डाइज. और लियर जो है उसकी बिनाई भी चली जाती है मौत से पहले. और दूसरी तरफ ग्लॉस्टर के साथ भी कुछ इसी तरह से होता है. ग्लॉस्टर विशेज हिमसेल्फ इनसेन. यानी वो ये
ख्वाहिश करता है अंधे होने के बाद कि काश वो पागल भी हो जाता, यानी अपनी याददाश्त खो देता या फिर जहनी तवाजुन खो देता, ताकि थिंकिंग ही माइट दस बे हिज मिजरी मोर इजली, ताकि वो अपनी इस तकलीफ को आसानी के साथ सहल कर सकता या सह सकता. और इसके अलावा होपलेसनेस एड्स टू द जनरल ग्लूम एट प्लेज एंड. तो लियर और ग्लॉस्टर की जो नाउम्मीदी दिखाई गई है इस ड्रामे के आखिर में, वो माहौल को और भी ज़्यादा सोगवार बना देती है. और मज़ीद ये भी कहा जा सकता है कि अंधा और पागल होने के बाद ही उन दोनों की आंखें खुलती हैं, यानी असल हकीकत जो है उन पर पूरी तरह से खुल जाती है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन दोनों को ही अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ता है. ग्लॉस्टर खुदकुशी कर लेता है और बिलाखिर मर जाता है. और इसी तरह से लियर जो है उसकी बेटी को, डीलिया को, जब मौत की सज़ा मिलती है तो उसके बाद वो भी उसके गम से निढाल होकर मर जाता है. तो लिहाजा इन तमाम पॉइंट्स को आप मुकम्मल जुमलों की शक्ल देकर अपना जवाब मुकम्मल कर सकते हैं और इसकी मदद से इस सवाल का जवाब पूरा कर सकते हैं कि मैडनेस और ब्लाइंडनेस में इस प्ले के अंदर क्या रिलेशनशिप दिखाई गई है. तो ये थे किंग लियर के क्वेश्चन एंड आंसर्स. इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.